हाय कैड यू बाइज वेलकम टू माई क्लास आज का हमारा टॉपिक है द नाउन 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 इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस एनिमल और थिंग्स नाउन किसी भी चीज़ का पर्सन का प्लेस का एनिमल का और थिंग का नाम होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल्स अफरोज इज़ टीचिंग तो यहाँ पे नाउन होगा अफरोज तो अफरोज क्या होगा कैसा नाउन है ये ये किसी पर्सन का नाम है दैट्स मी तो यहाँ पे पर्सन वाला ये नाउन है पर्सन, ठीक है शी हैज़ अ कैट तो कैट भी एक नाउन है तो कैट के कैसा नाउन है एनिमल, किसके बारे में बताया गया एनिमल के बारे में, में यहाँ पे ठीक है इसी तरह दे लिव इन कानपुर यहाँ पे हमारा नाउन कानपुर है की, जो कि ये सिटी है और एक प्लेस की बात हो रही है यहाँ पे ओके दे लिव इन कानपुर ये हो गया ही राइट्स विद अ पेन वो पेन से लिखता है किससे लिखता है पेन से और ये पेन यहाँ पे हो गया हमारा नाउन तो पेन हमारा क्या है एक थिंग हो गया तो हमारे पास पर पर्सन एनिमल प्लेस और थिंग नाउन है ठीक है इसी तरह हमें समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है अब यहाँ पे होते हैं काइंड्स ऑफ नाउन फर्स्ट है प्रॉपर नाउन सॉरी कॉमन नाउन प्रॉपर नाउंस कलेक्टिव नाउंस एब्सट्रैक्ट नाउन मटीरियल नाउन काउटेबल नाउन अनकाउटेबल नाउन तो मटेरियल नाउन में ही हमारे आते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन तो ये हम वीडियो में आगे दिखाएंगे कि ये आखिर है क्या ठीक है फिर हमारा आता है देखिए कॉमन नाउन कॉमन नाउन क्या होता है दे आर द नेम्स ऑफ पर्सनस एनिमल्स प्लेसिस और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड एस एक ही के उसमें होते हैं सेम काइंड में होते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती स्पेशल नहीं होता कॉमन चीज़ है इसलिए इसे कॉमन नाउन कहा गया है जैसे कि पर्सन है कोई बॉय है डॉक्टर है फार्मर है जोकर है किंग है यह पर्सन के बारे में बात हो रही है एनिमल है कैट है डॉग है लॉइन है काऊ है फॉक्स है ये सब कॉमन नाउंस हो गए प्लेसेस हैं जैसे स्टेशन है, है पुलिस स्टेशन भी हो गया हॉस्पिटल है पार्क है फैक्ट्री है सिनेमा है गार्डन है ये सब हम प्लेसेस की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? और ये है थिंग्स में बुक्स है कंप्यूटर है फैन है डेस्क है पेन pen है पेंसिल है स्केच पेन से इरेजर है स्केल है, है तो ये हमारा क्या हो गए सब थिंग्स हो गए ये हमारा हो गया कॉमन नाउन अब देखिए प्रॉपर नाउन क्या होता है प्रॉपर नाउंस दे आर द पर्टिकुलर नेम्स गिव टू सर्टेन कॉमन नाउन्स दे ऑलवेज बिगिनस विद कैपिटल लेटर्स एज कैसे देखिए ये क्या है एक पर्टिकुलर नाम किसी चीज़ का नाम होना है. किसी चीज़ कॉमन नाउन का जैसे हमने कैट की बात करी तो ये कैट तो कॉमन नॉन हो गया लेकिन उस कैट का नाम है जैसे किटी तो ये प्रॉपर नाउन हो गया तो और इसका नाम होगा किटी तो वो कैपिटल लेटर्स दे ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर्स अब नाम है तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा कैसे होगा ये प्रॉपर नाउन अब आपको ठीक से समझाते हैं जैसे नेम्स ऑफ पीपल हो गया सचिन तेंदुलकर लता मंगेशकर नेम्स ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया दुबई सऊदी यूके तो क्या होता है इंडिया एक ही है दो तीन इंडिया नहीं है तो ये पर्टिकुलर किसी चीज़ का नाम है ठीक है नेम्स ऑफ सिटीज़ जैसे कानपुर लखनऊ जम्मू नेम्स ऑफ डेज संडे सैटरडे मंडे ट्यूजडे दैट्स सेम मतलब कि कोई भी डेज के नाम नेम्स ऑफ मंथ्स जनवरी मे नवंबर तो सबके अलग अलग पर्टिकुलर नेम है ठीक है नेम्स ऑफ ओशियन द इंडियन ओशियन द पैसिफिक ओशियन नेम्स ऑफ रिवर्स द गंगा द नायल तो ये सब एक ही है ये दूसरे नहीं है तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुए स्पेशल इस्पेशल नहीं नेम ऑफ रिवर्स द गंगा द नायल हो गया द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जैसे ताजमहल रेड फोर्ट वगैरह ठीक है नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स ईद है दिवाली है क्रिसमस है पोंगल है खिचड़ी है ये सब आते रहते नेम्स ऑफ स्पेशल डेज जैसे इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे गांधी जयंती वैलेंटाइंस डे तो ये पर्टिकुलर डेज होते हैं स्पेशल डेज होते हैं जो एक बार आते हैं और इनके इन जैसा कोई नहीं होता है तो ये प्रॉपर नाउन है ये कॉमन चीज़ें नहीं आई होप कि आप समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है अब आता है हमारा सॉरी कलेक्टिव नाउन ठीक है कलेक्टिव नाउन क्या होता है देखिए कलेक्टिव नाउम्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स एस देखिए कलेक्टिव नाउस होते हैं किसी भी वर्ड्स का मतलब ग्रुप होता है जैसे पीपल का ग्रुप हो गया एनिमल का ग्रुप हो गया और चीजों का ग्रुप हो गया जैसे अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अब मैं लिख के आपको बताती हूँ कैसे देखिए ग्रुप है सोल्जर्स का ग्रुप क्या हो गया आर्मी ठीक है ये हो गया कलेक्टिव नाउन अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स बुकेट बुके लेने जाते हैं तो ग्रुप ऑफ लार्स ही होता है ग्रुप ऑफ सेलर्स तो क्रू हो गया अ ग्रुप ऑफ पीपल क्राउड अ ग्रुप ऑफ शिप्स फ्लीट अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स तो बर्ड्स को होता है फ्लॉक अ ग्रुप ऑफ कैटल हर्ड ठीक है अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स टीम ठीक है अ ग्रुप ऑफ फ्लो प्राइट अ ग्रुप ऑफ फिश फिश का होता है स्कूल ग्रुप जो होता है स्कूल भी कहलाता है और शॉल भी कहलाता है एस एच ओ एल शॉल ठीक है इसी तरह से आते हैं अब देखिए ये हो गए हमारे कलेक्टिव नाउंस जिसमें ग्रुप का कोई नाम होता है ठीक है अब हो गया हमारा होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर वर्ड्स फॉर फीलिंग्स दैट कैन नॉट बी सीन और टच एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो फीलिंग होती है जो कि छू ही नहीं जा सकती है और देखी भी नहीं जा सकती है जैसे द नेम ऑफ क्वालिटी जैसे मर्सी हो गया अब कोई रूड रूड बहुत से लोग रूड होते हैं तो रूडनेस के बारे में बात हो गई किसी की ब्यूटी के बारे में बात हो गई ठीक है ये हमारे क्या होते हैं एब्सट्रैक्ट नाउन द नेम ऑफ एन एक्शन स्माइल हो गया जैसे मुस्कुरा कराए बच्चे रो रहे हैं द नेम ऑफ स्टेट जैसे किसी कंडीशन हेल्थ कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं या चाइल्ड हुड के बारे में बात कर रहे हैं तो एक स्टेट है मदरहुड अडल्टड हो गया द नेम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस जैसे ग्रामर है हिंदी हो गया और हो गया जैसे मैथ्स हो गया लाइक like दिस ठीक है तो ये क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुए जो कि छुए देखे नहीं जा सकते हैं लेकिन ये होते हैं तो ये एक तरह की फीलिंग होती है ठीक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया अब हमारे पास आता है मटीरियल नाउ्स ठीक है अ मटीरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर प्रिपेयर्ड मटीरियल नाउन वन वो सब सब्सटेंस है वो चीज़ है जिससे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं चीज़ें बनाई जाती हैं जैसे कि डायमंड गोल्ड ग्लास सीमेंट ब्रास पेपर प्लास्टिक आयन स्टोन सिल्वर एंड मेनी मोर थिंग्स और भी चीज़ें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है आपको चीज़ें इसलिए लिख दूँ तो आपको याद रहे आपके एक्सरसाइज में आपको कभी प्रॉब्लम ना हो ठीक है ये हो गया मटीरियल नाउन अब मटीरियल नाउन में दो तरह से आते हैं एक कॉन्टेबल लाउस होता है और एक अनकाउंटेबल लॉन्स है तो कॉन्टेबल लाउस से समझ में आगे जो कॉन्टेबल नाउस आर द नेम्स ऑफ थिंग्स पीपल्स एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट कॉन्टेबल नॉन्स वो नाउन्स होते हैं जो कि थिंग्स और पीपल होते हैं जो कि गिने जा सकते हैं ठीक है दीज नाउंस हैव देयर प्लोराफाम और इनके प्लोरोफार्म भी होते हैं दैट मीन्स सिंगलर से प्लोलर हो सकते हैं वो वी कैन यूज़ इन डेफिनेट आर्टिकल ए और एन बिफोर सिंगुलर नाउन हम इनके जो सिंगलर नाउन होते हैं उसके आगे ए और एन लगा सकते हैं जैसे कि हमारे पास कॉन्टेबल नाउन् जैसे मैंने ले लिया बॉय कैट हट एग की जग गर बुक बैग डॉग ये क्या हो गया सिंगुलर हो गए सिंगुलर लिख लेते हैं जैसे कि ये सिंगलर है तो यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं इनका प्लूरल बना सकते हैं ठीक है बॉय का क्या हो जाएगा बॉयस कैट का कैट्स हट का हट्स एक का एक्स ठीक है की का कीज जग जक का जक्स गर्ल का गर्ल्स बुक का बुक्स बैग का बैग्स, डॉग डौक का डॉक्स अब देखिए इसमें कहा गया था सिंगलर और प्लूरल। है समझिए काउंटेबल नाउन ठीक है अब इसमें ए और एन का हम यूज कैसे कर करेंगे बॉय को अ बॉय, अ कैट अ हट ए, ए है तो एन एग अ की अ जग अ गर्ल अ बुक अ बैग डॉग. देखिए इसे काउंटेबल नॉन्स हो गए कि अब बैग है बैग से बॉय है इसी तरह से ठीक है सिंगलर प्लूरल फॉर्म में होते हैं अब आते हैं अनकाउंटेबल नॉन्स देखिए अनकाउंटेबल नॉन्स क्या होते हैं दे आर द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट ये वो नाम होते हैं उन चीज़ों के जो कि काउंट नहीं किए जा सकते हैं जैसे कि दे डू नॉट हैव देयर प्लूरल फॉर्म्स और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है वी के नॉट यूज़ इन डेफिनेट आर्टिकल इनके आगे हम इन डेफिनेट आर्टिकल जो जो चीज़ें हम काउंटेबल नॉन में लगा सकते हैं वो उसमें नहीं कर सकते आर्टिकल ए और एन ने लगा सकते बिफ़ोर दिस नाउस इनके पहले जैसे क्या है मिल्क शुगर ऑयल देखिए मिल्क शुगर को हम कोई काउंटिंग नहीं कर सकते ऑयल को काउंटिंग हैपीनेस काउंटिंग वाटर को काउंटिंग कर सकते हैं फर्नीचर फर्नीचर लिखा था फर्नीचर्स नहीं होता कभी तो ये अनकाउंटेबल ऑनेस्टी रूडनेस गोल्ड विजडम सक्सेस फेलियर ये इस तरह के अनकाउंटेबल नाउ्स होते हैं ठीक है अब आती हैं एक्सरसाइजेस तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइजेज होंगी देखिए जैसे होगा रीड द फॉलोइंग नाउन इन कलर एंड राइट देयर काइंड अभी देखिए मैंने आपको पढ़ाया जो है पहला तो कॉमन नाउन दूसरा प्रॉपर नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन देखिए कलेक्टिव एंड ठीक है, अब उन्हीं को मुझे लिखना है वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन ट्वेंटी तो रिपब्लिक डे पर्टिकुलर डे हो गया तो ये क्या हो गया हमारा प्रॉपर नाउन ठीक है अ कमेटी ऑफ ट्वेंटी वॉज अपॉइंटेड तो कमेटी है ग्रुप हो गया तो हमारा ये क्या हो गया जो कलेक्टिव नाउन हो गया डायमंड इज अवेलेबल स्टोन तो diamond हमारा क्या है मटेरियल नाउन है स्टूडेंट्स हैव गॉन टू लाइब्रेरी वो सिंपल से सेंटेंस है तो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया देखिए आई एडमायर द ब्यूटी ऑफ नैनीताल ये ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि छूई नहीं जा सकती इसे महसूस करी जा सकती है तो ये क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया देखिए इस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल्स दे दी हैं और सारे काइंड्स बता दिए हैं और उनको कैसे कैसे सॉर्ट आउट करना है आम वीडियो बहुत मेहनत से बनाई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय